हेलो दोस्तों, तो ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। और आज मैं यूएसएफ का आपका ड्राइंग डिस्कस करने वाला हूँ। यूएसएफ का 40 मीटर का साइट है, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ में इसका जो लेआउट है एक पेज का, वो आज के लिए डिस्कस करूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ताकि जब भी आप लेआउट करने जाएँ, एक्सिबिशन करने जाएँ पीठ का, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में कि कैसे और लेआउट किया जाता है, कैसे एक्सीवेशन पिट का किया जाता है। इसलिए चलिए, तो देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं और लेआउट का जो ड्राइंग है उसे समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास ये यूएसएफ का 40 मीटर का जीबीटी साइड है, इसका ड्राइंग है। तो ये जो एरिया है, यूएसएफ का जो साइट अभी झारखंड में बन रहा है, वो एक्चुअली प्राइवेट लैंड में है, तो उसको 20x20 जे एक्वायर करते हैं, ठीक है, और उसको बाउंड्री वॉल बनाते हैं। और अगर गवर्नमेंट लैंड में है तो 15x15 होता है, ये भी 50, अगर गवर्नमेंट लैंड में तो ये भी 15 और ये भी 15 मीटर में, और ये प्राइवेट ज़मीन में है तो ये भी 20 और ये भी 20, तो 20x20 स्क्वायर में हो जाता है, ठीक है। तो ये सब का साइड है, तो देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा ये स्पेस फॉर सोलर। तो सोलर के लिए स्पेस पहले बाउंड्री से आपको सोलर देगी, बाउंड्री से 650 मीटर पर ओ, हम लोग पहले छोड़ेंगे 750 मीटर, सॉरी, उसके बाद 750 मीटर के बाद वहाँ से 4 मीटर का हम लोग स्पेस छोड़ेंगे, ये भी सोलर का हो गया। फिर वहाँ से 1550 mm का, 1550 mm इससे हटा करके आप लेआउट कीजिएगा एक्सिबिशन के लिए। तो मान लीजिए मोटा मोटी 7 मीटर, तो मोटा मोटी हम 7 मीटर यहाँ से आपको जो बाउंड्री है वहाँ से 7 मीटर छोड़ के एक्सिबिशन के लिए लेआउट हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये हो गया, इसके जस्ट बगल में, सोलर के जस्ट बगल में हम गेट का लेआउट करेंगे, गेट बनाएंगे, क्योंकि गेट इस साइड नहीं बना सकते, इस साइड से सोलर रहेगा। सोलर ऐसे रखता है साउथ ही साउथ नॉर्थ साउथ में, इसलिए हम इधर बनाएंगे, इधर स्पेस नहीं मिलेगा गेट से कुछ मटेरियल लेकर के जाने के लिए, कुछ लेके जाने। तो इस साइड हम ये गेट का लेआउट कर लिए, ये एक्सिबिशन का आपका पीठ हो गया, 1 2 3, ये टी शेप में है, टी और वाई दो शेप में आता है, जैसे पीठ का एक्सिबिशन जो होता है, तो ये टी शेप में बनेगा। एक एक यहाँ पे इसमें ऐसे दिखाया हुआ है जैसे टी नहीं वाई शेप में है, बट हम ऐसे करके सीधा लेंगे 8 मीटर, जैसे हमारा 3 मीटर के आसपास में अगर कास्टिंग है तो 3 3 6 मीटर रहता है, तो आज ऐसे 8 मीटर ले लेंगे, एक पीठ यहाँ पे, एक पीठ यहाँ से, फिर 8 मीटर लेकर के ऐसे करके 8 मीटर ले इस साइड, 4 मीटर, 4 मीटर, फिर ये वाला 8 मीटर हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 मीटर, 4 मीटर, ये 4 मीटर, तो एक पीठ यहाँ, एक पीठ यहाँ, एक पीठ यहाँ, तीनों ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे एक्सिबिशन हो जाएगा। और ये डीजी के लिए, इस साइड डीजी के लिए बनाएंगे, इस साइड ओडी के लिए बनाएंगे। ये डीजी का पैड हो गया 1.5x3 मीटर का, ये हिस्सा 1.5 मीटर और ये हिस्सा 3 मीटर, डीजी का जो स्लेब होगा, स्लेब का थी जो वो साइज है, उनके नीचे में वॉल तो खैर मोटा होता है, तो उसको हम जब डीजी ओडी का आपको ड्राइंग्स एक्सप्लेन करेंगे उस समय हम आपको वॉल के लिए डिस्कस कर लेंगे। ये BTS का 3x3 मीटर का स्लेब होगा, ठीक है। और तो ये जो ड्राइंग है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये ड्राइंग आपको जो सेंटर है वो 4.5 मीटर का है, यहाँ से यहाँ जो एक पीठ से दूसरे पीठ का सेंटर होगा वो 4.5 मीटर का होगा, ये 4 मीटर, ये 4.5 मीटर, ये 4.5 मीटर, ये 4.5 मीटर, तो ये सेंटर टू सेंटर जो CIP साइज हो गया, ये 4.5 मीटर हो गया, ठीक है। प्लस आपका इसमें राफ्ट का साइज उतना क्लियर नहीं किया होगा, लेकिन ये जो मैं आपको इसे बता देता हूँ, ये 2350 इसका जो राफ्ट का ढलाई है वो 2350 है, ठीक है। और जब मैं इसका ड्राइंग एक्सप्लेन करूँगा कॉलम का, राफ्ट का, उस समय उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए इसका जो कैप है वो 1500 यानी 1.5 मीटर का ढलाई है, यहाँ पे एक्सप्लेन दिखाया गया है। और ये जो आपका बीम होगा ये 650, ये इंक्लूडिंग सेटरिंग कवर लेकर के 650 ये आपका कास्टिंग है इसका। तो फिलहाल अब तक के लिए ये समझ लीजिए, आप ऐसे लेआउट कर लेना है, इधर से 7 मीटर छोड़ना है,
सोलर के इसलिए स्पेस, उसके बाद आप 8 मीटर बाय 4 मीटर का लेआउट करेंगे और ये बाउंड्री ऐसे बनाएंगे, डीजी हो गया, ओडी, और यहाँ पे गेट रहेगा। फिलहाल अगले वीडियो में और एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।